बच्चों अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का। ये जो सम जब भी होता है तब स्टूडेंट को बहुत ही डाउट होता है, तो बच्चा ये थोड़ा शांति से करोगे। और सबसे पहले 1.2 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने जो एग्जांपल और जो इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल तो नहीं वर्ड बोलूँगा, हमने जो फॉर्मूला डिस्कस की थी वही यहाँ यूज़ होने वाली है। जिसको फॉर्मूला आएगी उनके लिए ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चा देरी किए बिना अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले 17 नंबर का सम, फॉर द इवेंट ए एंड बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी दिया हुआ है एंड इंटरसेक्शन पी ऑफ ए दिया हुआ है। सबसे पहले ए डैश से शुरू करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, या आप बोलोगे सर पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 का तो 1 रहेगा, पी ऑफ ए जो है वो 0.6 है तो हो जाएगा 0.4 पी ऑफ ए डैश। तो ये पहला पॉइंट ख़त्म हुआ। सेकंड पॉइंट शुरू होता है जिसमें लिया हुआ है पी ऑफ बी माइनस ए, तो आप बोलोगे सर इसमें आप लिखोगे जो पहले होता है वही आप लिखते हो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ, आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बोलोगे पी ऑफ बी जो है बच्चा वो है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी है वो 0.15, सॉल्व करोगे तो 0.35 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? अभी यहाँ पे तो ध्यान में रखना है थर्ड पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, सब्जेक्ट टू आपको वो नॉलेज हो तो। अभी यहाँ पे एक डैश आप देखोगे ना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश है तो बहुत ध्यान में, खाली सिंपल आपको फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए कि पी ऑफ ए जिस पे डैश नहीं होगा वो माइनस करेंगे पी ऑफ ए डैश बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब पी ऑफ ए जो है बच्चा वो 0.60 है, यहाँ पे 0.50, सॉल्व करोगे बच्चा तो हो जाएगा 0.45। और लास्ट में ये मैं वेट कर रहा था कि पी ऑफ ये जो दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी फिर से एक बार, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ ए डैश यूनियन पी ऑफ बी डैश, तो आप बोलो कि दोनों पे है तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चा ध्यान में रखना है फॉर्मूला बस इतनी ही है जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दोनों में इंटरसेक्शन है, तो आपको ए और बी तो लिख दिया। और आप बोलोगे सर इसके बाद जो ध्यान में रखने वाली बात वो थी कि यहाँ पे जो यूनियन है तो हमने कर दिया इंटरसेक्शन, बस बच्चा यही पॉइंट है। 1 माइनस आप बोलोगे इंटरसेक्शन कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर इंटरसेक्शन जो है वो है हमारा, आप बोलोगे 0. अब इंटरसेक्शन है वो 0.15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करोगे बच्चा तो 0.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 0.85 आ जाएगा। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। इजी उनके लिए ही है जिनको फॉर्मूला आती है वो, बाकी सबके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बच्चा शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अभी आएंगे हम शुरू करेंगे 18 नंबर में, जिसमें दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर फॉर द सैम्पल इवेंट ए एंड बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ऑफ ए डैश दिया हुआ है 2 P of P dash दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 P of A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.6, फाइंड आउट द डिफरेंस इवेंट हमें दोनों के ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जब भी ऐसे टाइप के सम होते हैं तो हमें खाली वो प्रॉपर पहले तो जो इंफॉर्मेशन है उसको अरेंज कर दो। तो आप बोलोगे सर आपने तो जो था वही लिख दिया, हाँ बच्चा मैंने वही लिख दिया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.6 लिखोगे, दूसरों में पी 2 इंटू पी ऑफ बी डैश आप बोलोगे 0.6, तो पी ऑफ बी डैश आप बोलोगे 0.6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हो जाएगा 0.3, ये पी ऑफ बी डैश आ जाएगा। क्लियर है? और लास्ट में बच्चा हमारे में दिया हुआ है थर्ड पोर्शन, अभी इसका लेंगे हम 3 P of A इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6, पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 3, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो बन जाएगा 0.2। क्या बन जाएगा बच्चा? 0.2।
अभी आप बोलोगे सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो सारी आ गई। हाँ बच्चा, तो आपके पास आ गई, लेकिन हमारे पास पी ऑफ ए नहीं है। तो आप बोलोगे सर वन माइनस पी ऑफ ए डैश कर दो। तो यहाँ पे कर लोगे तो 1 माइनस 0.6 तो हो जाएगा 0.4। सेम वे बच्चा आप बोलोगे पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, प्रॉबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश है इसमें। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 0.3 तो हो जाएगा 0.7। अभी बच्चा हम शुरू करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी। तो आप बोलोगे डिफरेंस इवेंट की बात हो रही है सर, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोलोगे सर इसमें जो होगा वो आपको लिखना है, सबसे पहले पी ऑफ ए जो है वो 0.4 है और दोनों में कॉमन है वो 0.2, तो करोगे तो 0.2 हो जाएगा पहला आंसर। और दूसरे में भी बच्चा सेम पॉइंट है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ी अलग हो जाएगी, बी माइनस ए है तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें पी ऑफ बी जो है बच्चा वो कितना लेंगे, तो आप बोलोगे सर 0.7 जो यहाँ से आया हुआ है माइनस पी ऑफ माइनस 0.2 तो हो जाएगा 0.5। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट। शांति से प्रॉपर लिख लो, समझ लो स्टेप बाय स्टेप सर ने कैसे किया, ये ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी दिख सकता है ऐसा समय, और बहुत लॉजिकल है कि हमने कैसे किया वो समझो। पहले ये वाला स्टेप के कंपेयर किया 0.6 के साथ, बाद में दूसरे वाले को कंपेयर किया 0.6 के साथ, और तीसरे वाले को कंपेयर किया 0.6 के साथ। यहाँ ही बच्चे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।